हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बात करने वाले हैं आज हमारे पीवाईक्यू सेक्शन को लेंगे। इस पीवाईक्यू में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आरआईएमसी के अंदर ही आते हैं, प्लस अगर चाहे तो सैनिक स्कूल के बच्चे और आरएमएस के भी देख सकते हैं। बट बेसिकली ये दो तीन क्वेश्चन आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके साथ ट्रिक डिस्कस करने वाली हूँ, वो हम बात करेंगे आरआईएमसी के। फोकस रहेगा आरआईएमसी, बट आरएमएस एंड सैनिक और नवोदय के बच्चे भी इस क्लासरूम को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक तरह से बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आज जो सेशन होगा ना, वो बहुत ही छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट है, जिसमें हम तीन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच जो आते हैं हमारे आरआईएमसी के अंदर। इस आरआईएमसी के पेपर के अंदर हम लोग जानते हैं कि सारी चीजें रिटर्न बेस्ड होती हैं, तो रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या करने हैं, रिटर्न फॉर्मेट में करने हैं। दूसरा, उसमें हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा उन लोग चेक करते हैं, वो है हमारा आईक्यू लेवल, कि हमारा क्रिएटिव लेवल कितना है और हम लोग कितना अच्छा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन के। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन उठा रही हूँ, फर्स्ट टाइप जो हमारा है, वो है होमोफोन्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें इसका होमोफोन देना है। होमोफोन का मतलब क्या होता है? होमोफोन का मतलब होता है स्पेलिंग में डिफरेंस होते हैं, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, उसका बना सकते हैं आप क्या, एक और वर्ड जो सेम क्या करता है, साउंड करता है, लेकिन उसके डिफरेंस होगा स्पेलिंग का, है ना। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अल्टर, अल्टर का मीन्स होता है किसी चीज को स्विचिंग करना, और एक होता है अल्टर, ये वो जगह होती है जहां पर वर्शिप की जाती थी, सेक्रीफाइस दिया जाता था। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, है ना, और ये होता है हियर, इसका मतलब होता है जगह के लिए, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। पेशेंस का मतलब होता है सब्र, यानी कि पेशेंस, और एक होता है पेशेंट, यानी कि मरीज, पेशेंस के लिए पेशेंट। सोल का मतलब जूते के नीचे वाला जो तला होता है, सोल, और एक आप चाहो तो सोल, यानी आत्मा के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर, वेयर का वर्ब भी हो सकता है, वियर भी आप ले सकते हो, सॉरी, वेयर, वेयर का मींस होता है पहनना उस चीज को, है ना, तो वेयर वियर। अब समझ में आ गया होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब है स्पेलिंग इज डिफरेंट, मीनिंग इज डिफरेंट, बट सिमिलर इन प्रोनंसिएशन, सिमिलर इन साउंड और प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन में ये क्या रहता है, सिमिलर रहता है। तो ये हमने देखा हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जो लगा आपको लगभग क्या करना है, सेम साउंड वाले, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स को देखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। राइट सिक्स वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स दैट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। ये आपको एक वर्ड्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, और इससे आपको छह नए वर्ड्स बनाने। ईच वर्ड शुड हैव एटलीस्ट, और हर वर्ड में चार शब्द तो होने चाहिए, चार लेटर्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। एंड नो लेटर शुड बी रिपीटेड, और कोई लेटर रिपीट नहीं करना है। Also frame sentences, और इनके आपको sentences बनाने हैं each of the five words, हर पांच words के आपको sentence बनाने। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा पहला word, पहले word में T C L E O R S, तो चलिए हम देखते हैं T, A हम ले सकते हैं, L हम ले सकते हैं, E, first letter हमारा बन गया, हमें छह बनाने हैं, tail, ठीक है। Next हम लोग कर सकते हैं S C A L E, स्केल, सेकेंड हमारा हो गया, थर्ड हमारा हो जाएगा, चलिए देखें फटाफट से भाई, चार तो होने ही चाहिए। इसने क्या बोला है कि इनमें चार तो वर्ड होंगे, बाकी आप पांच छह उसमें बढ़ा सकते हो। तो आगे चलते हैं, एक हम लेते हैं क्लियर, क्लियर आ जाएगा, थ्री हो गए, फोर में देखिए क्या आएगा, ओके आर ओ एल ई, रोल, फिफ्थ पे आ जाते हैं। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था सोल, एस ओ एल ई सोल, सिक्स देख लो क्या होगा,
R-A-C-E, रेस। चलिए आज थोड़े से ज्यादा ही बना लेते हैं। सेवेंथ अगर आपका बन रहा है तो देखिए। हाँ एक और बनेगा, सेल, SALE, सेल। एट, एट बनाते हैं। रोज, ROSE, रोज भी बन गया। नाइन्थ, नाइन देखो। ओके क्लियर, नेम हो जाएगा ना, क्लियर तो नेम हो जाएगा, CLAR E, क्लियर। और क्लियर हमने कर लिया। बताएं हाँ, नाइन्थ है ना, नाइन्थ में इधर देखते हैं। सील, SEAL, सील, जानवर हो गया। और देखिए देखो, और टेंथ भी देख लेते हैं। ईयर्स, कानों के बारे में बात की जा रही। और बहुत सारे बन जाएंगे यार, ये तो हमारे मजेदार चीज हो गई है। तो सोर, SORE, सोर। टेल, टेल हो गया फर्स्ट हमारा ना, टेल हमने कर दिया है। हाँ चलिए आगे देखते हैं, और देखते हैं कौन बना के देगा। रोज हो गया, एक हो जाएगा लेस, LASE, लेस। यस, एक और वर्ड आ गया, टीयर। भाई बहुत सारे वर्ड्स हो गए ये तो हमारे, चलते ही जाओ चलते ही जाओ चलते ही जाओ, है ना। और देखते हैं, सोर हमने बना लिया। हाँ रैट, RAT, रैट। लेकिन रैट में एक्चुअली हमें फोर वर्ड्स चाहिए ना, एटलीस्ट फोर वर्ड होने चाहिए रैट में। वैसे हम चाहें तो इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, होशियार तो हम बहुत ज्यादा ही हैं, रैट्स, चूहे। लेकिन वो ज्यादा ही हमारा दिमाग लगा लेंगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आ गए RIMC के अंदर, है ना, प्लूरल बनाने लग गए। और इतना बहुत है यार आज के लिए तो, है ना। तो हमने टोटल देखो भाई, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमने अपने वर्ड्स बना लिए। अब इनके आपको सेंटेंस फ्रेम करने, ऑल्सो फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द फाइव वर्ड्स। फाइव वर्ड्स जो होते हैं उनको यूज करते हुए, स्केल, जैसे वी कैन यूज स्केल टू ड्रॉ पेंसिल, क्लियर, आई हैव क्लियर ऑल माई डाउट्स। और इस पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर सेल्स में कर दो, या रोजेस में, तो टेल्स में, इस तरीके से आप बना सकते हो। टेल्स यानी कहानियां भी कर दो, और रेसेस भी कर सकते हो, ही विंस द रेसेस। सील, स्टील, स्टील भी होगा ना, स्टील, चुराना, STAL, स्टील, तो स्टील हो गया। तो फाइव वर्ड्स के आपको बनाने थे, हमने इसमें क्या कर दिया है, बना दिया। तो यहाँ पर हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन देखा कि ट्रिक्स क्या होती हैं, कि हमें हर वर्ड को सेट करके देखना है कि कितने हम उससे से वर्ड्स बना सकते हैं। और सबसे पहला एक काम कीजिए कि आप अपने वर्ड्स को वहां पर लिखिए। लिखने से क्या होगा, हम किसी और वर्ड पे काम नहीं करेंगे, हम लोगों को नेक्स्ट वर्ड अपने आप मिल जाएगा। देखते देखते हमने देखो 16 टू 17 वर्ड्स पे हम लोग पहुंच ही गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ब। अब वर्ब की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, द अर्थ राउंड द सन, तो अर्थ मूव्स राउंड द सन। कारण क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगता है। पहली बात प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, फाइनल। और प्रेजेंट टेंस में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहे हैं तो उनके हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ ऑलवेज कम्स इन प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य जो कभी बदलने वाले नहीं है, वो किस में आते हैं हमारे, इसके अंदर यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में। माय फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड आते ही ट्रिक यूज करो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉ। आई हैव ओनली वन लेटर अप टू नाउ,
यानी मैं उसको अब तक एक ही पत्र भेज चुका हूं, तो भेज दिया है या भेज चुका हूं, तो क्या होगा, आई हैव, पहली बार तो हैव आएगा। अब सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट सेंट सेंट, तो सेंट होता है वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा यानी कि फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है शी वरीड अबाउट समथिंग, वो किसी चीज को लेकर चिंतित दिखती है, तो ना शी लुक्ड वरीड अबाउट समथिंग। देखो वरीड एंड लुक्ड दोनों नहीं आएगा, शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, ठीक है। आर इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी, जब भी व्हाइल आ जाए तो उसके बाद हमेशा कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है, कंटिन्यूअस आएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस कहां पर है, इट स्टार्टेड रेन, वी आ रहा है तो प्लूरल आना चाहिए, वी वर प्लेइंग। ही फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, उस समय जब एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या कर रहा था, ड्राइविंग। जब भी व्हेन आता है तो व्हेन के हमेशा बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और अगर उससे पहले आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, ही का यूज हो रहा है, वॉज ड्राइविंग, है ना, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ही एस्लीप व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग, ही एस्लीप यानी वो सो गया जब वो ड्राइविंग कर रहा था, तो सो गया यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ही फॉल, फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म होता है फेल, और फिर होता है फॉलन, तो यहां पर क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म, तो ही फेल स्लीप व्हाइल ही वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस है आगे, पास्ट टेंस का पास्ट में। आई एम श्योर आई हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट, जब भी लास्ट नाइट आता है ट्रिक है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, सॉ। ही अ मिल इन हिज दिस टाउन, ही उसके पास क्या है, एक मिल है इस टाउन में, ही के साथ में क्या आता है, सिंगुलर है तो होता है has, he has a mill in this town, he here for last 5 years। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब भी क्या आता है since या for आ जाए तो वो हर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर हमें आगे सेंटेंस में कहीं नहीं दे रखा कि पास्ट का है या प्रेजेंट का, तो हमारी प्रेफरेंस होती है प्रेजेंट टेंस, तो has been working। तो यहां पर हमने देखा हमारा कि थर्ड पार्ट, यानी आज हमने हमारे RIMC के तीन पार्ट्स के क्वेश्चंस को क्या किया है, देखने की कोशिश की। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा, ये तीन क्वेश्चंस हमने RIMC के देखे कि हाउ टू सॉल्व, और कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स थी जो मैंने आपको टेंसेस के अंदर बताई, कैसे हमें वर्ड्स को फाइंड आउट करना है वो हमने देखा, और उससे पहले हमने देखा था होमोफोन्स को। तो आई थिंक आज का ये छोटा सा लेकिन प्यारा सा और यूजफुल सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। How to solve these questions in RIMC? Within, देखिए आप टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हो, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, ओनली 5 to 6 मिनट्स के अंदर ही हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया। मैक्सिमम 10 मिनट्स का क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं थे, तो सोचिए ये कितना काम आएगा अगर हम इतनी जल्दी जल्दी इनको देख लेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए इसको, आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, एंड एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।